মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পত্নীক 65% অধিক দরত পিপিই কিট যোগানোর ঠিকা। মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী ঘনশ্যাম ধানুকাক 431% পর্যন্ত অধিক দরত স্যানিটাইজার যোগানোর ঠিকা। ঘনশ্যাম ধানুকাক দিল্লীত পিপিই কিট যোগানোর বিশেষ সুবিধা। মুখ্যমন্ত্রীর পত্নীর প্রাক্তন ব্যবসায়ী সহযোগী রাজীব বরাকো লাভজনক দরত পিপিই কিটর ঠিকা। দি ওয়ার আর দি ক্রস কারেন্টর যৌথ অনুসন্ধানত সাদিল হয়েছিল কোভিড কালের কলা অধ্যায়। কিদরে নিবিদা অবিহনে মুখ্যমন্ত্রীর পত্নী আর পরিয়ালের ব্যবসায়ী সহযোগীক কোভিড কালত ঠিকা প্রদান করা হয়েছিল সেয়া পোহরলে আনিছিল সংবাদ ওয়েবসাইট দি ওয়ার আর দি ক্রস কারেন্টে। এলানি আর টি আই আবেদনের উত্তরত রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য অভিযানে দিয়া তথ্যর আধারত উন্মোচন হয়েছিল কোভিড কালত অসমত সংঘটিত এই বিয়াগুম অনিয়ম। তার পাছতেই দি ওয়াইল আর দি ক্রস কারেন্টর বাতরি হাতত লই দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়ার সংবাদমেল। হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজি যো উস সময় 2020 মে ওয়াহাকে স্বাস্থ্য মন্ত্রী থে, উনহোনে কিস তরহ সে कोविड की आड़ में खुलेआम भ्रष्टाचार किया, ये सारे दस्तावेज जो वायर ने और द क्रॉस करंट ने अपनी वेबसाइट पर जारी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े नेता ने अपनी पत्नी की कंपनी को और अपने बेटे की पार्टनर की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दिए हैं। ये कहानी एक्सपोज की है द वायर ने और असम की एक वेब पोर्टल है द क्रॉस करंट। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में उन्होंने जो दस्तावेज लगाए हैं वो इस बात का पुख्ता सबूत करते हैं कि किस तरह से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी जो उस समय 2020 में वहां के स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने किस तरह से कोविड की आड़ में खुलेआम भ्रष्टाचार किया, ये सारे दस्तावेज जो वायर ने और द क्रॉस करंट ने अपनी वेबसाइट पर जारी किए हैं वो इस बात का पूरा सबूत देते हैं। घटना 2020 की है जब पूरे देश में कोविड, सारी दुनिया में कोविड फैल रहा था, सारे देश में पैनिक मचा हुआ था। उस वक्त असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने अपने स्वास्थ्य विभाग से पीपी किट्स खरीदने के ठेके जारी किए। एमरजेंसी थी इसलिए जाहिर तौर पर सारी सरकारें कर रही होंगी, तो इमरजेंसी के दौरान टेंडर के बिना ठेके जारी होते हैं, सरकार के पास पावर होती है, उसमें कोई हम ये नहीं मानते कि उसमें कुछ गलत किया होगा। इमरजेंसी में बिना टेंडर के भी प्रोक्योरमेंट होते हैं, लेकिन ये प्रोक्योरमेंट के ठेके दिए किसको गए? कोरोना की आड़ में इमरजेंसी में पीपीई किट खरीदने के ठेके किसको दिए गए और कितने रेट पे दिए गए, इसमें भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की असली कहानी इसमें है। हेमंत बिस्व शर्मा जी ने ये ठेके दिए अपनी पत्नी की कंपनी को और अपने बेटे के पार्टनर्स की कंपनी को और अपनी पत्नी के बिजनेस पार्टनर्स की कंपनी को, इनको ये पीपी किट खरीदने के ठेके दिए। बीजेपी के जो नेता हैं हेमंत बिस्व शर्मा जी, उनकी पत्नी एक कंपनी चलाती हैं, उसको उन्होंने, उसका नाम है जेसीबी इंडस्ट्रीज, जेसीबी इंडस्ट्रीज को पीपीई किट खरीदने के ठेके दिए गए और वो भी बिना टेंडर के दिए गए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी को ठेके दिए गए, पत्नी के कंपनी को ठेके दिए गए और उनकी पत्नी की कंपनी का मेडिकल सप्लाई से, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अर्जेंसी की आड़ में अपनी ही पत्नी की कंपनी को पीपीई किट सप्लाई करने का ठेका भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी की सरकार द्वारा दिए गए। उस वक्त अपने पत्नी के कंपनी को या अपने बेटे के पार्टनर की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दे तो वो इस देश के कानून में भ्रष्टाचार होता है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वो उसकी नजर में वो भ्रष्टाचार है कि नहीं है, उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, अपने मुख्यमंत्री को आज जेल में डालेंगे कि नहीं डालेंगे।
দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়াই অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে ভ্রষ্টাচারের অভিযোগ উত্থাপন করার পাছতেই ডক্টর শর্মার টুইটার যোগে সকিয়নি। দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রীক শীঘ্রেই লগ পাব গুৱাহাটীত। তরিব 100 কোটির মানহানির গোচর, অবশেষত যেন মনীষ সিসোদিয়ার গুৱাহাটীত উপস্থিত হওয়ার দিন চমু চাপি আহিছে। 4 জুনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দিছিল মনীষ সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে মানহানি গোচর তরার হুঙ্কার। 21 জুনত মুখ্যমন্ত্রীর পত্নী রিণীকি ভূঁইয়া শর্মায় দাখিল করে দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে 100 কোটি টাকার মানহানি গোচর। মানহানি আর মান রক্ষার এই যুঁজ অহা সময়সাত নিশ্চয় আকর্ষণীয় হব।